हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। मैं राहुल आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की क्लास दे रहा हूँ। तो मैंने कल यूट्यूब पे अपनी क्लास ली थी बेटा, तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, पूरी डिटेल दी थी मैंने आपको, पूरा सिलेबस कितना इसका वेटेज होता है एग्ज़ाम के अंदर, इसमें सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमने कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को हमें, और मैंने बुक्स भी आपको रेकमेंडेड की थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो अगर मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल कर लूँ चीज़ों को, तो मैंने कल आपको सबसे पहले बताया था सर्किट के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, पूरा का पूरा डिटेल दी थी नेटवर्क के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी थी हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो नेटवर्क एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, नेटवर्क सिंथेसिस में, ठीक। तो ये डिफरेंस मैंने पूरी की पूरी जो डिटेल है सर्किट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क एनालिसिस के बारे में और नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में आपको दे चुका हूँ। आज जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को आगे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो आज जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक्स ऑफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस सब्जेक्ट को मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक किया है, और ये जो मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर जो है सारे के सारे मैंने स्टेप्स बताए हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन से, कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या, करंट, वोल्टेज, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब हम चीजें जो है पढ़ेंगे इसके अंदर आज अपने टॉपिक में। तो स्टूडेंट, बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हम इन बेसिक डेफिनेशंस को सही से पढ़ लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज स्टार्टिंग करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के साथ, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। और इसके अंदर सबसे पहले आज हम देखेंगे चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, इस बात को और आसान तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज कोई मैटर है, एक मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिपल्शन को, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल गया मैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसे महसूस करता है व्हेन इट, जब इसे सेट करते हैं किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। इस चीज को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, यानी अगर मैटर को एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स अट्रैक्शन फोर्स और मैटर को एक्सपीरियंस हो रहा है रिपल्शन फोर्स, तो ये जो दोनों चीजें मैटर को एक्सपीरियंस हो रही है उसके पीछे कौन है इंपॉर्टेंट फैक्टर, चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में, तो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास चार्ज का नेचर, अगर मैं आपसे बोलूं चार्ज के नेचर के बारे में बोलूं, तो चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनाता हूं
तो चार्ज क्या होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको इसका एप्लीकेशन चीज़ों का EMFT में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा जो चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो बाहर आउटवर्ड्स निकलती है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये इसमें इनवर्ट तरफ आती है, ठीक है, अंदर की तरफ होती है, इनवर्ट साइड। और अगर सेम प्लेस पर एक आर डिस्टेंस पे, ठीक है, दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पर होगी। यानी पॉजिटिव से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे जाती है, और यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव पे जा रही है, तो पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गई और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ भी पता चल गई कि चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज मोनोपोल यानी सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, यानी अकेला पॉजिटिव भी हो सकता है, अकेला नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का दोनों भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो चार्ज के बारे में हमें इतना पता चल गया, हमने पढ़ लिया चार्ज के बारे में, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ पेशेंस बनाए रखना पेन टैप पे, ठीक है ना, और अपना इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी डाउन मत होने देना, क्योंकि मैं आपको बहुत डेप्थ में चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यही डेप्थनेस जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और आपको क्या करेगा, इस सब्जेक्ट की एक बिल्कुल क्लियरिटी शो करेगा, ठीक। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहें, चार्ज के बारे में बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या है कि अगर आपने को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, थोड़ी सी यहाँ जानकारी दूंगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, अभी के लिए वी बाय एल वाले फॉर्मूले की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और ये पार्टिकल जो है एक दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड में एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए ये हमारा ये वाला चार्ज है, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव वाले से कहाँ निकलती है, आउटवर्ड निकलती है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, ठीक। तो ये वाला जो है हमें पता है कि जब सेम चार्ज होते हैं, जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है हमारा, रिपल्शन होता है, और जब हमारे चार्ज अपोजिट होते हैं तो क्या होता है हमारा, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर ये जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है किस पे, ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये यहां से ये चीज मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो चार्ज के बारे में आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा होगा मेरा कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इसे ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। तो मतलब क्या है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, चार्ज का जो नेचर है, चार्ज पूरी तरीके से क्या है, कंजर्व है, टोटली कंजर्व, कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फिर
फिर उसके बाद चार्ज के बारे में, ये वाली एक प्रॉपर्टी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है चार्ज, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब है यहां पर, अगर मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला है q इज इक्वल्स टू एन ई, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव, वो नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इस पे जो 1.6 इनटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब इसके अंदर होता है, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो n शो कर रहा है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो n होगा ना बेटा, ये n जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप टू जहां तक भी है पॉइंट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। एन की वैल्यू कभी भी आप ऐसे नहीं ले सकते 1/2, 3/2, 4/2, या आप फ्रैक्शन में ले रहे हो, यानी डेढ़, 1.5, 2.5, इस तरीके से आप चार्ज को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये जो चार्ज है ई को हम काट नहीं सकते, इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसका डिवीजन नहीं कर सकते कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आधा कर दिया, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इसे याद रखना आपको कि इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला q इज इक्वल्स टू एन ई काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए आपको जो चीजें बता दी इसके अंदर की चार्ज की वजह से, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बात भी आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या क्या पता चल गया कि चार्ज की वजह से मैटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करता है जब उसे हम किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसे रखते हैं। चार्ज का नेचर क्या है, कंजर्व प्रिंसिपल है चार्ज, चार्ज इज कंजर्व प्रिंसिपल। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ठीक है, बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एन की जो वैल्यू लेंगे इट इज इन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, नॉट 1/2, 3/2, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देन क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप आपको चार्ज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर डिस्कस की थी, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट चलते हैं, करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से आपको, जब आप चार्ज मैंने आपको समझा दिया, तो अब यहां से आपको करंट क्लियरली समझ में आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वेरी सिंपल बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो यही है, ठीक, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इसके अंदर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, इसका फॉर्मूला है। मतलब क्या है, अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लूं कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, और यहां पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने बता दिया ए, ठीक है। अब इसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पास होंगे, जब हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं, मान लीजिए डायरेक्शन में, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर से पास हो रहे हैं हमारे, ठीक है, यही मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, इस कंडक्टर के अंदर करंट, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, करंट। यानी हमारा जो डी क्यू बाई डी टी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल शो द क्वांटिटी
करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आई होप यहां से चीज आपको क्लियर हुई हो। मैं इसके अंदर एक बात और बताता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो होता क्या है, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स लगाती है चार्ज पे, है ना। इस फोर्स से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो हमारा क्यू इंक्रीज होता है, ठीक है। जब हमारा क्यू इंक्रीज होता है तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आपको एक पॉइंट फॉर्म पढ़ने को मिलेगी तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी इफ आई इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स विल इंक्रीज, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, देन चार्ज विल इंक्रीज, देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो आपको। फिर बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां जीरो कर देता हूं तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ये भी जीरो हो जाएगा, क्यू भी मेरा जीरो हो जाएगा और मेरा कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। देखिए ये जो फॉर्म है ये आपको ऐसे करके अपने माइंड के अंदर याद रखनी है। यानी अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गॉट करंट, और अगर मैं चार्ज को इंटीग्रेट कर देता हूं T1 T2 तो आई गॉट करंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन आई गॉट चार्ज, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म को आप याद रखिएगा क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं जब कराऊंगा आपको एरिया अंडर द कर्व वाले न्यूमेरिकल तो आपको ये चीज पता चल जाएगी मैं यहां पर क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। यूनिट जो है करंट की इट इज एम्पियर, ठीक है, कूलाम पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर रेंज हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर देखें तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो आपको यह माइनॉरिटी करंट माइक्रो एम्पियर में भी दिखाई देगा, ठीक है भाई, आपको ये करंट जो है मिली एम्पियर में भी दिखाई देगा, ठीक है, आपको ये करंट एम्पियर में भी दिखाई देगा, सिंपल 5 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर, ठीक है, और किलो में भी ये दिखाई देगा, ठीक। तो ये इसमें क्वांटिटी में इसके अंदर इसे मेजर किया जाता है। अब मैं आगे बात करूं करंट के सिंबल्स की तो स्मॉल आई बेटा इसका भी अपना एक अलग महत्व है, कैपिटल आई इसका भी अपना एक अलग महत्व है और कैपिटल आई टी इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर ये जो आई है मेरा, ये जो आई है इट विल शो द करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस विल शो द आरएमएस वैल्यू, इट विल शो द टाइम करंट वैल्यू विद चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई हो आई होप। फिर आगे आप आगे ये वैल्यूज भी पढ़ेंगे, आई एम पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज, तो जब मैं आपको एसी पढ़ाऊंगा तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए प्रैक्टिकली तो देखिए थ्योरिटिकली तो आपने पढ़ लिया करंट के बारे में पूरा का पूरा, लेकिन अगर इसे हम अपनी इलेक्ट्रिकल के फिजिकल एग्जांपल्स के तौर पर चेक करके देखना चाहेंगे तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ नीचे दो एग्जांपल दिए तो इससे आपको चीजें क्लियर होंगी, एक बेटर व्यू मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग व्यू मिलेगा डीसी। तो यहां पर देखिए अगर आपसे मैं फिजिकली आप देखेंगे तो जनरेटर का डायग्राम भाई अलग बनता है, अलग दिखाते हैं हम, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं डीसी जनरेटर, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा आपको इस तरीके से बनेगा, तो हम उसे मॉडल कर सकते हैं उस जनरेटर को एज ए करंट सोर्स, हम क्या कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप चीजें पता होंगी जो स्टूडेंट गेट के लिए प्रिपेयर कर चुके होंगे। बीजेटी को हम मॉडल कर सकते हैं एज ए करंट सोर्स, क्योंकि आपको पता ही है बीजेटी
ठीक है, कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद अगर हम एसी सोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फीडर लाइन होती है उसे मॉडल करते हैं हम एसी करंट सोर्स की तरीके से, ठीक है। फीडर लाइन जो होती है हमारी उसे किससे मेजर करते हैं हम, एसी करंट सोर्स की तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये यह चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से ये बनाकर पॉजिटिव नेगेटिव, मैं सोर्सेज में भी ये बात आपको डिटेल में बताऊंगा, इस तरीके से आप डीसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से, ठीक है। ये वोल्टेज के लिए है, करंट सोर्स के लिए नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर डिटेल में। आगे चलते हैं अपना, क्योंकि मैं इस वाले पूरी की पूरी कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, जो आपके इलेक्ट्रिकल सोर्सेज मैंने टॉपिक बनाया उसके अंदर मैं आपके साथ डेप्थ में डिस्कस करूंगा। तो ठीक, आए हो, आपको चार्ज समझ में आ गया होगा, आपको करंट समझ में आ गया है, आपको मैंने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी दे दिया है, तो यहां से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इन चीजों की। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या वोल्टेज है, इसमें तो एक तो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या है। तो मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं, अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कहता है और वोल्टेज की बात कहता है तो वो आपसे दोनों बातें सेम कह रहा है। आइए इसकी डेफिनेशन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या है, आइए डिटेल में देखते हैं इस चीज को। देखिए मैंने अभी बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। कहाँ की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब क्या है, आप एक टेस्ट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू स्मॉल, वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब ये जो टेस्ट पार्टिकल है, मैं कह रहा हूं ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लेकिन मुझे ये वाला जो टेस्ट पार्टिकल है मुझे ये ए पॉइंट पर लेके आना है, मुझे ये कहां पर लेके आना है, ए पॉइंट पर लेके आना है। तो बड़ी जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए, मुझे अब यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर मुझे करना पड़ेगा वर्क, यहां पर मुझे कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन, कि मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर पॉइंट ए तक लेकर चला जाऊं, ठीक है। तो यानी चार्ज पर किया गया कार्य, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां पर ये दिखा रहा हूं मैं डेफिनेशन, इज कॉल्ड वोल्टेज। मतलब क्या है, आप खुद देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटा सा, जब मैं इसे इनफाइनाइट से लेके इसकी फील्ड के अंदर लेके जाऊंगा, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज इसका क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, और मुझे ये जो चार्ज पार्टिकल है मुझे ये पॉइंट ए पर ही बनाए रखना है, इस पॉइंट पर ही इसे क्या करके मेंटेन करके रखना है। एक तो मैं इसे कहां लेके आया, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पर आया, और मुझे इस ए पॉइंट पर ही इसे बनाए रखना है, तो मुझे क्या करते रहना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार गेट में एक बार क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है, तो कहीं पे अगर आपको ऐसे मिल जाए डब्ल्यू बाई क्यू तो वो ना देके आप डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, रेफरेंस पॉइंट क्या है फॉर वोल्टेज एंड पोटेंशियल इज ग्राउंड। तो रेफरेंस पॉइंट फॉर वोल्टेज पोटेंशियल एंड ग्राउंड क्या है, ये लाइन में आपको क्लियर कर दूंगा अभी। देखिए मतलब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, सर्किट सॉल्व करते वक्त आपको ना ये सब पॉइंट्स हेल्प करेंगे चीजों को समझने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। देखिए बात क्या है, अगर ये मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं,
यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल ले लेता हूँ, और अगर मैं इसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे एक वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ वी, ठीक है, वी वोल्टेज अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे इस पॉइंट पर कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए अगर मैं मेरे को यहाँ पर ग्राउंड से इस रेस्पेक्ट पे मुझे 10 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ ड्रॉप होने के बाद मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, कुछ कम ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं जो भी वोल्टेज अपनी नोड पर लूंगा वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी रेफरेंस पॉइंट से लूंगा, ठीक है। तो यहाँ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी काफी अच्छे से, ठीक, तो आप समझ गए होंगे। जब मैं आपको नोडल एनालिसिस वगैरह बताऊंगा तो आपको वहां पर ये चीज पता चलेगी, जब मैं बार बार बोलूंगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर वोल्टेज V1 V2 मान लेते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो बात दोबारा भी आनी है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बेटा, इसे मेजर किस में करते हैं, वोल्टेज में करते हैं भाई, वर्क को हम जूल में कहते हैं, गुलाम चार्ज को हम गुलाम में मेजर करते हैं, तो जूल पर गुलाम हो गया, रेंज आप देख लीजिए, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, ठीक है, 10^3, 10^6 पावर सिस्टम में, माइक्रो मिली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वोल्ट भी आपको वैल्यू मिलेगी अपने इस सब्जेक्ट में, इसमें ये रेंज होती है जिसमें हम इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिंबल स्मॉल वी का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल वाला आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वीटी वाला टाइम वेरिएंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीएम भी पढ़ेंगे, पीक वैल्यू ये एसी में आएंगी, हम वहां पर उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो क्या है, डीसी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दो तरीके की हमारे पास, कल ही मैंने जब आपको अपना पढ़ाया था नेटवर्क सर्किट तभी मैंने वहां पर ये चीज आपके साथ डिस्कस करी थी, डीसी डीसी मतलब हमारे पास किस तरीके के एक्साइटेशन थे, दो तरीके के एक्साइटेशन मैंने बताए थे आपको, दो तरीके के इनपुट बताए थे, या तो डीसी या एसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें ये वाला जो है ये सेल बैटरी सोलर सेल, एसी यूपीएस इन्वर्टर अल्टरनेटर, ठीक है, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एज ए वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स जो है आपका सेल बैटरी सोलर सेल, एसी वोल्टेज सोर्स जो होगा यूपीएस इन्वर्टर अल्टरनेटर। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लेके जाना और उस पर वर्क डन करना, भाई ऐसे तो जाएगा नहीं यहां पर अपने आप, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम के अगेंस्ट, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब मैं आपसे ये चीज पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये है और मैं यहाँ पर ये नेगेटिव रख देता हूँ, ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बी पर है, और मुझे अपना चार्ज जो है इस पॉइंट सी पर बनाए रखना है, या ये पॉजिटिव ले लेते हैं इसे भी, और मुझे इस चार्ज को, ठीक है, कहां पर लेके जाना है, पॉइंट सी पे लेके जाना है। तो हमें पता है, अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है, इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जब चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आएगा बी पॉइंट वाले की, तो क्या होगा, ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्शन करेगा,
और मुझे इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए या ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीके का वर्क डन ही करना पड़ेगा, वर्क डन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे बात करूं तो यहां तो ये बात बोल दी गई कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल लेके जाना या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना, तो ये हमारा क्या है, हमारा अनदर पोटेंशियल, फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल, ठीक है, लेके जाना हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको भाई आपने कोई एक स्टोन ले रखा है, इस स्टोन को आपने एच हाइट पर मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी आपने इसे पकड़ रखा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी हाइट बढ़ा दीजिए, तो आपको इसके हिसाब से अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ा, यहां से यहां तक आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा। तो इसी तरीके से चार्ज को, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, जब चार्ज हमारा कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा बैटरी या हमारे सोर्स को वर्क डन करना पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये जो चीज है आपको क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर जो न्यूमेरिकल करने के लिए आपके लिए जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड वाली लाइन है, उससे आपको क्या मिलेगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट देन द करंट फ्लो। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक पॉइंट है और यहां पर 5 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, इन दोनों के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इसमें निकालूं आपसे ए और बी का, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे हम, बी वी ए बी 5 - 3 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ये जो पोटेंशियल मिलेगा 2 मिलेगा, यानी जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए करंट, करंट हमेशा फ्लो करेगा, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव फॉर हाइयर पोटेंशियल और नेगेटिव फॉर लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो चीज है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी आप समझ जाएंगे इस चीज को। अब अगला पॉइंट अगर मैं इसी में कहूं आपसे कि ये 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, क्या इनके बीच में करंट होगा, नहीं, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो एट दैट टाइम करंट वैल्यू विल बिकम 0। ठीक है, क्या होगी, यहां पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर सेम पोटेंशियल है तो हमारी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड के अंदर सेट रखिएगा, सेम पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप मुझे बताइएगा जरूर, अभी यहां पे मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कैसे, आप बताइएगा, अगर यहां 0 वोल्ट है और यहां पर अगर मैं कह दूं यहां पर माइनस का 1 वोल्ट है, क्या करंट एग्जिस्ट होगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, हमें क्लियर नहीं होते और हम गेट के अंदर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। थोड़ा सा इन डेफिनेशंस पे मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ, बेसिक्स है, एक बार बेसिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको चीजों को समझने में देर नहीं लगेगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और पूछ लेता हूँ। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, ईएमएफ में, तो ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल क्या है। और पोटेंशियल और वोल्टेज तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ईएमएफ, तो मैं आपको यहां थोड़ा सा बता देता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज ईएमएफ, ठीक है। वैसे तो कहते हैं द फोर्स हू मूव द चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, बट मैटर क्या है, देखिए एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट, ठीक है, ये 5 वोल्ट हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया मान लीजिए। तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ करंट, मैंने अभी बताया था। बट इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस 2 वोल्ट मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो आ रहा है, इसे मेंटेन्ड रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ईएमएफ लगाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तभी एग्जिस्ट होगा जब हम ईएमएफ देंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो यानी ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हमारी, इट इज पावर, इट इज पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, ठीक है, पी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमारा क्या होता है, पावर होता है, ठीक। तो पावर क्यों, अगर हमने यहां पर सही से देखें, अगर मैं डी डब्ल्यू को यहां पर, डी क्यू यहां और ऊपर डी क्यू और नीचे डी टी करूं, तो यहां पर ये देखिए अभी बताया था मैंने कि डी डब्ल्यू बाई डी क्यू तो मेरा बनेगा V, और डी क्यू बाई डी टी बनेगा मेरा आई, ठीक है, और इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, पावर मिलती है। तो रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का रेट जितनी तेजी के साथ चेंज होगा, यानी जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होगा फास्ट, उतना ही हमारी पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या है, ये जो यूनिट है इसका वाट है, जूल पर सेकंड में हम इसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों यूनिट्स हैं, इसकी रेंज माइक्रोवाट, मिलीवाट, वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट चलते हैं पावर के बारे में आगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, हमारा एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी क्या है, हमारा एबिलिटी टू डू वर्क। अगर मैं पावर का जो मैं फॉर्मूला था मेरा डी डब्ल्यू बाई डी टी या वर्क और एनर्जी, ये जूल में ले रहे हैं हम, ठीक है, अगर मैं इसे ई को पी डी टी टी वन टी टू बोथ साइड क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये टी वन टी टू के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, देन आई विल गॉट एनर्जी, ठीक है। या इस बात को ऐसे समझ लीजिए, पावर की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दें तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, पता चल जाएगा सर्किट में एनर्जी का। नेक्स्ट है यूनिट इसकी जूल, वॉट सेकेंड, ठीक है, मैं इसे कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर कहाँ इम्पोर्टेंस बनेगा, जब मैं आपको पावर, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर दूंगा, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इसके अंदर, आज मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको करंट के बारे में दिया, मैंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको पावर और एनर्जी के बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर भी बता देता हूँ, बस मैं इसे थोड़ा सा रब कर दूँ। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना। अब इसमें क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ये जो सिंपल सा है इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मीन्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसमें अगर आपसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी पूछ ली जाए, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, गेट में नहीं आते फिर भी जनरल पर्पस के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। इंसुलेटर डज नॉट अलाउड टू इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इट। ठीक है, जो अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देते, वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इंसुलेटर्स, वुड, रबड़, एयर, पेपर। देखिए ये सब जो एयर और पेपर यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए बताया, क्योंकि जब आपको मैं कैपेसिटर बताऊंगा तो उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होता है, एक मीडियम हम फ्लो भरते हैं कैपेसिटर प्लेट के अंदर, फिल किया जाता है। तो ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, एक लाइन याद रखना, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑल इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑल इंसुलेटर, बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपको काफी क्लियर मिल गई होगी इससे। मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर एज ए डाइलेक्ट्रिक काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक, तो चलिए ये चीज तो हो गई। अब मैं जरा आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको सॉल्व करते हैं, करंट के ऊपर ले लेते हैं, छोटा सा है जो मैं आपसे कह रहा था, इसका जो फॉर्मूला है आप हमेशा याद रखिएगा इसे। देखिए एक वेव फॉर्म मैं आपको दूंगा, आप इसे खुद भी ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। यहां पर ये कुलाम है, मिली कुलाम, और यहाँ टाइम दे रखा है मैंने, और ये वैल्यू 2 दे दी है मैंने, ये 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 मिली कुलाम वैल्यू। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ करंट की वैल्यू बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर सेट करना है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके जो नीचे का इस ये जो कर्व है, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ पूरा का पूरा, एरिया अंडर द कर्व, कहने का क्या मतलब है, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे चार्ज की वैल्यू मतलब चार्ज की
पूरी वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, करंट कितना फ्लो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मुझे मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये हमारी एक लाइन है ए बी सी, तो मैं काम करता हूं इस लाइन का कर्व निकाल लेते हैं, है ना। ए से बी अगर मैं पूछूं, क्योंकि देखिए डी क्यू बाई डी टी भी क्या एक तरीके का स्लोप है, तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक है। तो ए से बी जो लाइन है इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमारा, अगर हम देखें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ठीक है, इट इज tan माइनस 0 एंड 2 माइनस 0, तो यहां पर मुझे 5 मिली एम्पियर करंट मिल जाएगा, क्योंकि ये मिली में था, 5 मिली एम्पियर ए से बी, यानी मेरा ये जो इतना जो चार्ज फ्लो हुआ इससे मुझे कितना मिला, यहाँ पर ये 5 मिली एम्पियर, यानी मैंने क्या कर दिया, इसे इसका स्लोप निकाल लिया, क्योंकि अगर स्लोप निकाल लिया डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक तरीके का हमारा स्लोप ही होता है। बी और सी का स्लोप निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, तो जब मैं बी और सी का निकालूंगा यहाँ पर स्लोप, तो मेरा ये क्या होगा, यहाँ पॉइंट जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस टेन, फाइव माइनस टू, माइनस टेन बाय थ्री इक्वल्स टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली एम्पियर माइनस में। तो यहां से क्या हुआ, मेरे को जो करंट की वैल्यू है वो बी से सी भी मिल गई, क्योंकि मैंने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अल्टीमेटली स्लोप फाइंड कर लिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे बोलूं कि आप इसके लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करिए, मैं आगे भी काफी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस चीज पे, ठीक है। तो मुझे इस वाली लाइन से तो 5 मिली एम्पियर मिला, और इस वाली लाइन से माइनस 3.3 मिली एम्पियर मिला, तो मैं इसे जरा रब कर देता हूं। और अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे करंट की वेव फॉर्म बना के दिखाइए, करंट की वेव फॉर्म बनाकर दिखाइए, तो यहां पर एक्सेस आई ले लेते हैं। तो देखिए इतने से इतने ड्यूरेशन में मुझे करंट कैसा मिला था, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक। और अगर मैं 2 से 5 तक बात करूं आपसे, तब मुझे जो वैल्यू मिली करंट की वो मिली थी नेगेटिव माइनस 3.3 मिली एम्पियर, ठीक है, फाइव। तो यहां पर ये जो वैल्यू है, आपको ये जो कर्व देखने को मिल रहा है इट इज स्क्वायर। थोड़ा सा आप सिग्नल सिस्टम या अपने उस पर देखेंगे तो ये रैंप सिग्नल है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिल गया। तो इस तरीके से आप चीजों समझ सकते हैं यूनिट स्टेप, ठीक है। तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट नहीं कर रहा अभी, तो आप इस तरीके से करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे वेव फॉर्म भी बना सकते हैं, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आज की ये बेसिक डेफिनेशंस जो है आपको काफी हेल्प करेंगी आगे, ये एज ए जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या था, ठीक, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक। तो आगे चलता हूं, ठीक है। तो आगे जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ जो है ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा फ्रेश तरीके से, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के साथ करना चाहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मैं इस पे टाइम वेस्ट अभी समझा नहीं सकता, इतना टाइम पूरा दे नहीं सकता इस चीज पे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो,
आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, मेरी क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें कि यहाँ पर गेट की क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस।